वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले एक टिप्पणी में ये कहा था कि EWS कैटेगरी में जो 8 लाख का इनकम कैप है वो आर्बिट्री है और सरकार ने इसे मनमाने तरीके से लागू कर दिया है। इसकी कोई समीक्षा नहीं हुई है, इसे किसी आधार पे, किसी समुचित आधार पे लागू नहीं किया गया है। इस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने तुरंत 30 नवंबर को एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आलोक में ये चीज निर्धारित करने के लिए कहा गया इस समिति से कि किस तरह से EWS कैटेगरी का पूरा डेटा तैयार किया जाए और इसके आधारों पे एक अच्छी खासी समीक्षा की जाए। समिति ने पूरी तरह से पूरे मामले का अध्ययन किया और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चिंताएं व्यक्त की थी उसे एड्रेस करने की पूरी कोशिश की। जो सबसे पहली चिंता थी, जो सबसे पहला कंसर्न था सुप्रीम कोर्ट का, वो था इनकम कैप, कि आखिरकार जो आय सीमा है 8 लाख की वो किस तरह निर्धारित की गई। इसके जवाब में समिति ने ये कहा कि जो टैक्स एग्जेम्पशन है, जो इनकम टैक्स में हम लोग छूट देते हैं, वो करीब 8 लाख तक की होती है। 8 लाख आय सीमा से ऊपर का व्यक्ति इनकम टैक्स देता है और 8 लाख की आय सीमा से कम का व्यक्ति नहीं देता। तो इस वजह से जो EWS कैटेगरी का थ्रेशोल्ड है वो 8 लाख इस बेसिस पे डिसाइड किया गया है। जो दूसरी समस्या ये थी कि ओबीसी के क्रीमी लेयर पे ही बेस कर दिया गया था शायद, इसे ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। तो इसके जवाब में पैनल ने ये कहा कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें हम लोग ग्रॉस इनकम लेते हैं, कि जो जितना भी ग्रॉस इनकम होता है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो साइड बिजनेस का हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, उसको कंप्लीट में 8 लाख लिया जाता है। जबकि अगर हम लोग EWS कैटेगरी में देखें तो सिर्फ नॉर्मल इनकम, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसे ही 8 लाख हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा मेन कंसर्न था सुप्रीम कोर्ट का, वो रेजिडेंशियल प्लॉट के बेसिस पे था, कि जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था इसमें कि 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का लैंड नहीं होना चाहिए, आपका रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो इसको लेके पैनल ने सुझाव दिया कि इसे बदला जाएगा और इस पैनल ने ये साफ किया कि पूरी तरह से जो रेजिडेंशियल प्लॉट का आर्टिकल है वो इस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाए। तो रेजिडेंशियल प्लॉट को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि जो 5 एकड़ तक की एग्रीकल्चर लैंड है अगर किसी भी व्यक्ति के पास, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, उसकी इनकम क्या है, इसे हटाते हुए, इसे अलग रखते हुए उस इंसान को, उस पूरी फैमिली को EWS कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए। यानी कि अगर आपके पास रेजिडेंशियल अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा है तो आप EWS कैटेगरी में नहीं रहेंगे। हालांकि अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि अब ये पैनल के सुझाव किस बार से इम्प्लीमेंट होंगे। तो सरकार ने ये कहा कि जो प्रेजेंट साइकिल चल रही है, चाहे वो एडमिशन की हो या ज्वाइनिंग की हो, उसमें ये पूरी तरह से लागू रहेगी पिछली व्यवस्था, लेकिन जो आने वाली एडमिशन साइकिल है या आने वाली ज्वाइनिंग साइकिल है उसमें ये नई व्यवस्था और इस पैनल के सुझावों के साथ लागू होगी। इन नए कानूनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन नए कानूनों से चीजें कितनी एड्रेस होंगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।